नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण 50 खबरें। पर ऐसी सारी खबरें निकल कर आ रही हैं जो बहुत ही काम की खबरें हैं, क्योंकि अभी यूपी के अंदर काफी बड़े बड़े ऐलान लिए जा रहे हैं और उसी के साथ यूपी के मौसम के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि यूपी के अंदर कई जगह पर ओले गिरे हैं और मौसम पूरा का पूरा खराब हो चुका है। वहीं पे आपको बताएंगे साथ ही साथ बिजली का जो खर्च है उसके लिए पल पल की अपडेट आप ले सकेंगे और उसके लिए काफी बड़ी योजनाएं चला रही है यूपी की सरकार। जानते हैं सारी खबरों को विस्तार से और शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी योगी सरकार, युवाओं को बिना ब्याज मिल सकेगा लोन। जिया सीएम योगी महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रदेश में जल्द शुरू होने वाला है। और साथ ही साथ आपको बता दें, इस योजना के तहत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा और इस स्वरोजगार मिशन के तहत प्रति वर्ष 1 लाख इकाइयों को वित्त पोषित कर आगामी 10 वर्षों के लिए 1 मिलियन यानी कि 10 लाख यूनिट को सीधे लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं यूपी के मौसम के बारे में। यूपी के इस जिले में 10 मिनट तक गिरते रहे ओले, हर तरफ दिखी सफेद चादर, फसलों पर भारी नुकसान। जी हाँ, शाहजहांपुर जिले में अचानक ओले गिरने लगे और जलालाबाद और सदर तहसील सहित कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि से अफीम और गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ। रविवार की सुबह और अचानक से ओलावृष्टि शुरू हो गई और वाकई में देखा जाए तो इस वजह से किसानों को काफी बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। उसी के साथ मौसम की अगर बात करूं तो यूपी के 11 जिलों में सार्वजनिक बारिश और ओलावृष्टि हुई, आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जी हाँ, यूपी में रविवार को बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई, उसके बाद इतनी ज्यादा बिजली की कड़कड़ाहट हुई कि 4 लोगों की मौत हो गई। उसी के साथ आपको बता दूं कि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1-2 दिन ऐसे ही मौसम रहने की संभावना बताई गई है। और अगर यूपी के मौसम की बात करूं तो ये भी बता देता हूं कि मूसलाधार बारिश से अब कब राहत मिलने वाली है वो भी आपको बता देते हैं, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे की मौसम की बात करें तो कई राज्यों के अंदर या शहरों के अंदर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर भी काफ़ी बर्फबारी और मौसम ऐसा रहा है। अब आने वाले कुछ टाइम बाद जैसे कुछ नई रिपोर्ट आती है कि कब मौसम के अंदर सुधार होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। हाँ, लेकिन अभी के लिए जो देखा जा रहा है मौसम थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी बहुत जरूरी है। किसानों को सबसे ज़्यादा संभावना है कि हाँ आगे के समय में दिक्कत देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा, हमें भरोसा रखना होगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी सबसे खबर। महाशिवरात्रि को लेकर अमरोहा में रूट डायवर्जन, इन रास्तों पर भारी गाड़ियों की नो एंट्री। जी हाँ, कावड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए अमरोहा में पुलिस ने दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों का जो रूट डायवर्ट कर दिया है, साथ ही हाईवे पर ट्रैफिक भी वन वे रहेगा। जी आप सबको बताया कि महाशिवरात्रि है तो इसीलिए लोग कावड़ यात्रा के लिए निकले हुए, तो इसलिए सरकार अच्छे से देख के चल रही है कि हाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या ना हो। इसी के बाद बात करते हैं यूपीपीएससी की परीक्षा के बारे में। जी हाँ, आरओ एआरओ भर्ती पेपर लीक को लेकर परीक्षा नियंत्रण घटे, पीए नियुक्ति को नियमावली में बदलाव। जी हाँ, आप सबको बता देना चाहते हैं कि जो आरओ और एआरओ की जो भर्ती परीक्षा, उसके पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। परीक्षा रद्द होने के 1 दिन बाद आयोग के परीक्षार्थ नियंत्रक पर तबादला कर दिया और साथ ही में काफी बड़े निर्णय लिए गए। और हाँ, आने वाले समय में 6 महीने बाद परीक्षा वापस होगी, लेकिन हाँ इस बार काफी सख्ताई देखने को मिलेगी, तो इस बार दिक्कत नहीं होने वाली होगी। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं मौसम के। जो ओलावृष्टि हुई उससे जो नुकसान हुआ उसी के लिए सरकार ने कुछ अलग चीजें कुछ ऐलान किए हैं। जी हाँ, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से 33% फसल क्षतिग्रस्त हुई है। यूपी के 6 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जी हाँ, यूपी में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, ओलावृष्टि के करीब 33% फसलों का नुकसान हो चुका है। 19 से 28 फरवरी के बीच हुई बारिश और ओलावृष्टि के चलते प्रदेश के 6 जिलों के अंदर काफी भारी नुकसान देखने को मिला है। इसके लिए सरकार जल्दी कुछ कदम उठाएगी, इसकी क्षतिपूर्ति भी कराई जाएगी, तो कुछ ना कुछ निर्णय होंगे तो आपको मैं बता दूंगा मेरे चैनल के माध्यम से। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश, 24 घंटे में क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देगी सरकार। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को देर रात से प्रदेश में खराब फसलों, तेज हवा और ओलावृष्टि से अन्नदाता किसानों की फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे कराने का निर्देश दिया और उसके बाद जिन लोगों का या जिन किसानों का नुकसान हुआ उनको जल्द ही सरकार कुछ ना कुछ मदद करेगी। और हाँ, काफी मदद देखने को मिलने वाली है सरकार की तरफ से। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर, विकसित भारत 2047। जी हाँ, योजना पूरी तैयार कर दी जा रही है, विकास पर है फोकस। पीएम मोदी के नेतृत्व में 8 घंटे चली मंत्रिपरिषद की बैठक। जी आपको बता दें, रविवार को हुई बैठक में अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके लिए काफी बड़ी चीजें सोची गई है, काफी बड़ा विजन रखा गया है 2047, क्योंकि आपको पता है वो आजादी के 100 साल होने वाले, तो काफी चीजें बहुत सोच समझ के
की जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। 6 मार्च को दिल्ली चलो और 10 मार्च को ट्रेन रोको आंदोलन, किसानों ने बताया है आगे का प्लान। जी हां, किसानों ने अपने दिल्ली चलो मार्च के लिए एक शेड्यूल जारी कर दिया है। किसान नेताओं ने देश भर के किसानों को 6 मार्च को दिल्ली पहुंचने की अपील की है। किसान नेताओं ने 10 मार्च को ट्रेन रोको आंदोलन का भी ऐलान किया है, साथ ही साथ कहा कि सीमा पर किसानों की संख्या बढ़ाई जाएगी, उन सबके बारे में भी पूरा का पूरा प्लान चल रहा है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। अडानी डिफेंस में बने 50% हथियारों का निर्यात, देश दुनिया में बड़ी डिमांड। जी हां, अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस की कानपुर यूनिट में बनने वाले जितने भी वहां पे हथियार थे और गोला बारूद थे, उनको 50% हिस्सा देश के सशस्त्र बलों के लिए आरक्षित रहेगा। उत्पादन का 50% हथियारों का निर्यात किया जाएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी मिशन 24 में ज्ञान बनेगा हथियार, पीएम मोदी की अपील के बाद बूथ लेवल पर बना खास प्लान। जी आपको बता दें, लोकसभा चुनाव अब जल्दी नजदीक आ चुके हैं, उसी महाचुनाव के देखने के लिए काफी चीजों के बारे में काम चल रहा है। सीटों के साथ साथ भाजपा हर बूथ वोट पर प्रतिशत बढ़ाने के लिए जुट गई है। इसके लिए भाजपा ने एक नया हथियार तैयार किया है, इस हथियार का नाम है ज्ञान। भाजपा ज्ञान के जरिए मिशन 2024 में जनता के विश्वास के साथ ही उनके मतों को हासिल करेगी और आने वाले समय में देखा जाएगा क्या होगा। इस प्लान के जरिए हर बूथ पर करीब 370 मत बढ़ाएगी। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, बोले सपा कांग्रेस सरकार में चलाती थी गोलियां। जी हां, आप सबको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सपा कांग्रेस की सरकार में चलती थी गोलियां, और उसी के बाद उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार ने राम भक्तों का स्वागत होता है। सीएम ने गोरखपुर में पशु चिकित्सालय विज्ञान महाविद्यालय की भूमि का पूजन भी किया। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन को लेकर आपको और ही जानकारी दे देते हैं। बस ट्रेन और जहाज से दिल्ली आएंगे किसान, 10 मार्च को रेल रोकने का भी प्लान। जी आपको बता देते हैं कि जो किसान है वो ट्रेन बस और हवाई जहाज से आने वाले हैं। हम देखते हैं कि किसान को हमने धरने की इजाजत देती है या नहीं। 10 मार्च को हम पूरे देश में रेल रोको प्रदर्शन करने वाले हैं। अब देखना होगा इसके बाद क्या निर्णय लिया जाता है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के 10 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी, इलेक्शन कमीशन ने बनाई योजना। जी आपको बता देते हैं कि इस बार जैसे चुनाव हर कोई चाहता है या सरकार भी चाहती है, जितने ज्यादा वोट हो उसके लिए उतना अच्छा रहता है कि सभी को मतदान का अधिकार मिले और सभी लोग मतदान करें। उसके लिए सरकार भी कोशिश कर रही है, उसके लिए मतदानों को और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और बस एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वोट दें, यानी वोटों का जो मतदान का प्रतिशत है वो काफी बढ़ा हुआ दिखे इस बार। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। जेल में कटेगी जिंदगी, प्रॉपर्टी भी जब्त कर लेगी सरकार। यूपी में ऐसे लोगों को सीएम योगी ने दी खुली चेतावनी। जी आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के युवाओं को आश्वस्त करते हुए एक बार फिर दोहराया कि कोई भी युवा अपने भविष्य के लिए खिलवाड़ नहीं कर सकता, यदि किसी ने ऐसा किया तो वह जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा। यही नहीं, उसके बाद बाप दादा की प्रॉपर्टी भी सरकार जब्त कर लेगी। सीएम योगी ने रविवार को राज्य के जुबली इंटर कॉलेज के मैदान में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन टैबलेट भी वितरण किए। कार्यक्रम में 1500 विद्यार्थियों को टैबलेट और 3000 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन भी वितरित किए गए हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिजली खर्च का पल पल ले सकेंगे अपडेट, बिजली विभाग चलाएगा घर घर में अभियान। जी हाँ, बिजली उपभोक्ताओं को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग जाने पर अपने घर की जो बिजली है उसकी खपत व अन्य गतिविधियों को अपने मोबाइल में भी आप देख सकेंगे। बिजली विभाग घर घर नया अभियान चलाने जा रहे हैं। वाकई में मीटर काफी काम के होने वाले, क्योंकि डिजिटल मीटर होंगे और एक स्मार्ट मीटर के तौर पर काम करने वाले हैं, तो आपके फोन में भी पल पल की अपडेट रहने वाली होगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। चार धाम की यात्रा पे पड़ेगी महंगाई की मार, केदारनाथ की हेलीकॉप्टर सेवा का 5% बढ़ेगा किराया। जी हाँ, युगांडा पिछले साल ही धाम के लिए 3 साल तक सेवा देने के लिए ऑपरेटर और किराया तय कर चुका है। तय शर्त के अनुसार ऑपरेटर बेसिक किराए में प्रतिवर्ष 5% की बढ़ोतरी कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी यूपी लोकसभा कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो चुकी है। जी हाँ, उसमें अब क्या हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यूपी में फिर मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी इन सीटों पे रहेगी सबकी नजर। जी हाँ, यूपी में फिर से मोदी एक मैजिक के रूप में आने वाले हैं। जी हाँ, पीएम के वाराणसी से लड़ने का असर 2014 और 2019 में यूपी से लेकर बिहार तक देखा गया था, तो वाकई में देखते हैं इस बार और क्या देखने को मिलता है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगले 5 साल में चिप मैन्युफैक्चरिंग में नई ताकत बनकर उभरेगा भारत, आईटी मंत्री का दावा। जी आप सबको बता दें, भारत तेजी से बढ़ते हुए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने माइक्रोन और टाटा सहित 4 कंपनियों में 76,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया। भारत अब खुद को चीन के स्थान पर एक लोकतांत्रिक और भरोसेमंद टेक हब के रूप में पेश करने जा रहा है, जो वाकई में बहुत बड़ी जीत हो सकती है हमारे भारत की, और वाकई में ये जीत सच में माननी पड़ेगी। प्राउड टू बी इंडियन होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर निकल कर आ रही है, फ्लैटों की रुकी हुई रजिस्ट्री में आएगी तेजी, कैंप लगाने के निर्देश। यूपी की योगी सरकार ने नोएडा में जो फ्लैट थे उनकी रुकी हुई जो रजिस्ट्री थी उसमें अब तेजी देखने को मिलेगी। इसके आधार पर विशेष कैंप लगाकर फ्लैटों की जो रजिस्ट्री है उसको कराने का निर्देश दे दिया गया है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में करोड़ों की स्मार्ट मीटर योजना पर फिर लगा ग्रहण, नहीं बदले गए तो आएगी बड़ी दिक्कत। जी हां, करोड़ों की स्मार्ट मीटर योजना है उस पर एक बार ग्रहण सा दिख रहा है, क्योंकि यदि खराब मीटर
नहीं बदलेंगे तो पूर्वांचल में 3.21 लाख स्मार्ट मीटर नॉर्मल मीटर की श्रेणी में आ जाएंगे और उनकी भी मैनुअल रीडिंग करनी पड़ेगी। तो वाकई में बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन हाँ, सरकार इसका भी कुछ ना कुछ इलाज जरूर से निकाल लेगी। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, UPSC RO ARO के एग्जाम। जी हाँ, 7.5 साल बाद आयोग को फिर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, पिछले कई सालों में अपनी छवि सुधारने में जुटे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने RO और ARO परीक्षा रद्द होने से तगड़ा झटका लगा। इससे पहले 2016 में ARO या फिर RO की जो परीक्षा, उसका पेपर लीक हुआ था। लेकिन वाकई में ये चीजें होती है तो काफी सरकार को भी परेशानी होती ही होती है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस के अंदर जूता स्टैंड हटाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल। जी हां, 19 मार्च को होने वाली ये सुनवाई, जानते हैं पूरा मामला क्या। शनिवार को हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर से लोहे का जूता स्टैंड हटाने के लिए जिला जज की अदालत में अर्जी दी। कोर्ट ने पूर्व निर्धारित तिथि 19 मार्च को ही अर्जी पेश करने का निर्देश दिया है। अब इसके बारे में कोई भी निर्णय आएगा तो मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें, आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। और हाँ, आपके मन में कोई विचार, कोई सुझाव है इसके प्रति, तो आप बेझिझक होकर मुझे जरूर से बताइएगा, क्योंकि हर एक सुझाव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।